और बहुत खूबसूरत तस्वीर आज एक ऐसा मौका कि एक तरफ ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जा रही है तो दूसरी तरफ शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है। तो चलिए अब बात करते हैं भोलेनाथ की आराधना की। तो पवित्र सावन महीने का आज चौथा और आखिरी सोमवार है। शिवालयों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न अभिषेक और अनुष्ठान कर रहे हैं। अल सुबह से ही कांवड़ियों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। सुबह से ही कांवड़ियों का पहुंचना जारी है। कांवड़िए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों का उद्घोष हो रहा है। तो आज सावन का ये आखिरी सोमवार है और इसलिए हर कोई भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटा हुआ है। औढ़दानी कहा जाता है। कहा जाता है कि भोले तो सिर्फ एक लुटिया जल से, चार बिल्वपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत कुछ नहीं करना होता है उनको प्रसन्न करने के लिए और इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रिय होता है और इसमें पड़ने वाले सोमवार को इसी वजह से जलाभिषेक का, रुद्राभिषेक का खास महत्व हो जाता है। और आज खास बात यह भी कि प्रदोष भी आज लग रहा है। त्रयोदशी जो कहते हैं कि उस दिन भोलेनाथ की उपासना से शारीरिक जो कष्ट होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। जिनको संतान की चाह होती है उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं भोलेनाथ। तो आज ये संयोग भी बहुत खास बना देता है इस पूजा को, शिव भक्तों को, उनकी भावना को। तो अलग अलग शिवालयों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं अगर आप नहीं जा पाए हैं। लेकिन कहते हैं कि मन मंदिर होना चाहिए। वहाँ पर अगर आपने एक बार स्थापित कर लिया अपनी आराध्य को तो श्रद्धा भाव से ही उनकी पूजन हो जाती है। देखिए कैसे लोग बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धतूर चढ़ा रहे हैं, भांग जो भगवान भोलेनाथ को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका प्रिय है, मदार के पुष्प, कनेर के पुष्प, इन तमाम चीज़ों से भगवान भोलेनाथ की आज आराधना की जा रही है। कहा जाता है कि सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ इस महीने में बहुत प्रसन्न रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी अगर आप उनकी आराधना करते हैं, थोड़ी सी तपस्या करते हैं तो उसी में ही वो बहुत कुछ आपको दे देते हैं। फिर चाहे आपको सुयोग्य वर की तलाश हो, सुयोग्य वधु की तलाश हो, या फिर कोई शारीरिक कष्ट हो, परिवार में कोई विवाद हो, या फिर आर्थिक तंगी, सावन के इस महीने में भोलेनाथ की आराधना से तमाम चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। और अगर हम अजमेर की बात करें तो वहाँ पर भी शिवालयों में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे ईद उल अजहा के मौके पर वहाँ लोग पहुँच रहे हैं ज़ियारत करने के लिए भी, और जन्नती दरवाज़ा भी आज खुला। लेकिन शिवालयों में कैसी रौनक है ये भी हम जानते हैं अपने सहयोगी भूपेंद्र से। भूपेंद्र, अभी कुछ देर पहले तक हम तस्वीरें देख रहे थे वहाँ पर ईद उल अजहा की, लेकिन सबसे खूबसूरती यही हो जाती है हमारी संस्कृति की कि एक तरफ नमाज की आवाज़ है, अजान की आवाज़ है, दूसरी तरफ बम बम भोले की गूंज है। तो वहां के शिवालयों की रौनक के बारे में आप जरा बताइए। जी निश्चित तौर पर देखिए, अजमेर जो है गंगा जमनी तहजीब का शहर है और एक तरफ जहां ईद की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ शिवालय में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह एक पूरा परिवार पहुंचा है। यहां एक बड़ी प्रतिमा यहां शिवालय में लगाई गई है, ये जतोई दरबार है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की गई है और देखिए आप, ये परिवार जो है जलाभिषेक कर रहा है। एक परिवार के सदस्य से बात करेंगे, मैम सावन में जो है भगवान भोले को मनाना आसान होता है, किस तरह आप लोग पूजा करते हैं? हम तो पूरा सावन कर रहे हैं, पूरा महीना व्रत किया है, ये लास्ट सोमवार है उस पर जतोई दरबार आए हैं। पूरी पूजा मन तमन्ना से करते हैं, इस बार यहाँ आना हुआ है, बहुत अच्छा लगा। आपने कैसे पूजा की है पूरे महीने, आज लास्ट सोमवार है? मैंने सावन के 4 सोमवार किए हैं और ये आज चौथा सोमवार है। और सोमवार का व्रत करने से मन को बहुत तसल्ली मिली, शिव जी का व्रत करने से शांति मिलती है।
और ये जतोई दरबार में आकर के यहाँ बहुत ही मन को तसल्ली मिली है, बहुत ही अच्छा लगा है कि मंदिर देख करके दर्शन किए हैं शिव जी भगवान के, बहुत अच्छा लगा जी। देखिए उसके अलावा मैं आपको जो है 12 ज्योतिर्लिंग बताता हूँ। यहाँ जो देखिए ये गुफा बनाई गई है, इस गुफा में जो है अलग अलग इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। आप देखिए सबसे पहले जो है सोमनाथ के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है, उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है और तमाम तरह के ज्योतिर्लिंग यहाँ देखिए। ये एक और ज्योतिर्लिंग है और महाकालेश्वर है, यहाँ मल्लिकार्जुन का शिवलिंग है यहाँ, और तमाम शिवलिंग यहाँ आप आगे भी देख सकते हैं। इस गुफा में जो है बड़ी संख्या में यहाँ जो है लोग पहुँचते हैं। आप देखिए आगे बैद्यनाथ का शिवलिंग है यही, और उसके बाद शिवलिंग मिलेंगे आपको त्रिम्बकेश्वर का शिवलिंग, भीम शंकर शिवलिंग और गुमेश्वर शिवलिंग। उसके बाद आप देखिए अमरनाथ के जो है प्रतीकारात्मक रूप से इस तरह अमरनाथ का भी यहाँ जो है इस जो है बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए काफ़ी संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो एक अच्छा माहौल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक तमाम शिवलिंग के यहाँ आपको दर्शन करने को मिलेंगे और बड़ी संख्या में अजमेर वाले भी, अजमेर राइड्स भी यहाँ पहुँचते हैं, और ख़ासतौर से सावन के इस महीने में विशेष महत्व है यहाँ का। जी जी बिल्कुल भूपेंद्र, और ये बेहद खास है कि 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ स्थापित किया गया है कि आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से जो प्राप्ति होती है पुण्य की, वो यहीं पर आप प्राप्त कीजिए। लेकिन भूपेंद्र, सबसे खास बात जो आज दो बड़े त्यौहार हैं, तो सिक्योरिटी कैसी देखने को मिल रही है, और अगर शिवालयों की बात करें तो और कौन कौन से खास शिवालय जहाँ पर खास व्यवस्थाएं की गई हैं? तो भूपेंद्र से संपर्क टूट गया है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये मंदिर खास क्यों हो जाता है, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रतीकात्मक तौर पर स्थापित किया गया है, और कहते भी हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों को अगर आप देखें तो ये केवल आस्था की दृष्टि से नहीं, बल्कि अगर आप भारत की जो भावना है उसको देखिए कैसे एकजुट करते हैं कि एक पूरब में, एक पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण, अगर पूरे भारत के नक्शे को देखें और ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ पर स्थापित हैं, जहाँ जहाँ पर हैं उनको देखिए, तो एक पूरा एक नेटवर्क बनता है जो संपूर्ण भारत को अपने आगोश में लेता है, जो ये बताता है कि भारत अखंड है। इन ज्योतिर्लिंगों के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि भारत की एकता, अखंडता कैसे बखानी जा सकती है, कैसे दिखाई देती है। भूपेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, अगर हम इस शिवालय की खासियत को देखें तो आपने इस शिवालय की खासियत के बारे में तो बताया, लेकिन अगर कुछ और शिवालयों की बात करें अजमेर में, क्योंकि कहा जाता है कि तीर्थ नगरी है, तो और कौन कौन से शिवालय जो बेहद खास होते हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं? जी देखिए यहाँ जो है 5 मंदिरों की स्थापना की गई है, मराठाकालीन वो मंदिर है और मराठा काल में ही उन मंदिरों की स्थापना की गई थी, तो वो एक यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। उसके अलावा एक और मंदिर जो है, हालांकि वो भी मराठाकालीन है, पुष्कर घाट पर जो है वो स्थापित किया गया, 108 महादेव के जो है शिवलिंग वहाँ स्थापित किए गए हैं, तो वो एक बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। हमने पिछले सोमवार को अपने दर्शकों को वहाँ से बताया था उस मंदिर की खासियत के बारे में, और वो मंदिर जिसे जिसमें पूजा अर्चना करने के लिए देश भर से लोग पहुँचते हैं, 108 शिवलिंग, साथ में नंदी और तमाम वो चीज़ें थी जो भगवान महादेव की पूजा के लिए थी। और वहाँ जो है उस मंदिर की खासियत भी यही थी कि वहाँ जो बेलपत्र चढ़ते हैं वो उसी मंदिर के जो है लगे पेड़ से चढ़ते हैं, तो एक बेहतरीन मंदिर वहाँ देखने को मिला था, और जो वहाँ जो आस्था का सैलाब था वो भी देखने को मिला था, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे थे। जी जी बिल्कुल। और भूपेंद्र, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था को देखें तो कैसी है, क्योंकि आज ईद का त्यौहार भी मनाया जा रहा है, शिवालयों में भी भक्त पहुँच रहे हैं, तो पूरे शहर को देखें तो कैसे वहाँ पर सिक्योरिटी? जी देखिए जहाँ तक बात करें कि यहाँ एक केसरगंज इलाका है जहाँ मुख्य ईदगाह है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, और उसी के पास बड़ी संख्या में जो है केसरगंज के पास महादेव के मंदिर है, तो तमाम जो हिंदू हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब नमाज अदा की होगी, एक दूसरे को नमाज की जो है ईद की मुबारकबाद देंगे, उसके बाद वो जो है भगवान शिव की पूजा करेंगे। तो गंगा जमनी तहजीब है यहाँ की, एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है, और ख़ासतौर से पुलिस की बात करें तो एक अच्छी व्यवस्था यहाँ
देखने को मिली। जब हम दरगाह शरीफ पहुंचे तो वहां अच्छी व्यवस्था थी, वाहनों को दूर ही रोक दिया गया था क्योंकि सड़कों तक जो है नमाज अदा करने के लिए जो है लोग बैठ रहे थे। उसके अलावा जहां तक बात कलेक्ट्रेट की करें तो यहां एक ईदगाह है, वहां भी बैरिकेड लगाकर अच्छी व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ लोगों को जो है यातायात में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन एक दूसरे को सहयोग का यहाँ जो अच्छा भूपेंद्र कांवड़ियों की धूम कितनी दिखाई देती है क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। जी बिल्कुल, आपने एक अच्छा सवाल किया। बड़ी संख्या में यहाँ कांवड़िए जो है शनिवार से शुरू हो जाते हैं, शनिवार रविवार और सोमवार, तीन दिन आप अजमेर से पुष्कर जिस रास्ते पे जाते हो तो वहाँ आपको कदम कदम पर कांवड़िए साथ में डीजे और ढोल नगाड़े आपको दिखाई देते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जो है पुष्कर जाते हैं, पुष्कर सरोवर का जो जल लाते हैं और अभिषेक करते हैं। चलिए भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो अजमेर के दर्शन तो हमने आपको करा दिए वहां के शिवालय के, लेकिन अब जयपुर के ताड़केश्वर के भी दर्शन आपको कराते हैं। आप घर बैठे ही ताड़केश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं, दर्शन के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर सुबह से ही लोग दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लोग जुटे हुए हैं। ताड़केश्वर महादेव में कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से जाता है भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और यही वजह है कि आम सोमवार पर भी यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और जब बात सावन के सोमवार की होती है तब तो उल्लास और ज़्यादा बढ़ जाता है, विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है।